अगला केमिकल प्रॉपर्टी किसकी है हमारे हेलोकेन की, पढ़ते हैं अगली क्या है, तो वो है हमारी बस वो भी है सब्स्टिट्यूशन भाई, बस ग्रुप चेंज करना है हमें, कौन सा ग्रुप लेना है यहाँ पे, बस वही ग्रुप चेंज करना है और कुछ नहीं इसमें, ठीक है ना, ग्रुप चेंज करना है और कुछ नहीं इसमें, ग्रुप ही चेंज करना है, ठीक है ना। और आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है ना, तो आप पूरा फर्स्ट ईयर के वाले कोर्स पर ध्यान दीजिए बस, और आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस केवल और केवल फर्स्ट ईयर वाले कोर्स पे थोड़ा ध्यान देना है, और कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, थोड़ा सा आपको करना है मेहनत बस और कुछ नहीं। देखिए पढ़ते हैं सब्स्टिट्यूशन भाई, ये कौन सा पार्ट है आपका, मतलब ये कौन सा है, बी, इसका बी, इसके द्वारा है ओआर, क्या बोलते हैं बताया ओआर को, एल्कोक्सी, क्या बोलते हैं ओआर को, वो आपको क्या बोलते हैं, एल ऑक्सी। देखिए आर क्या होता है, आर एल्क कार्बन होता है ना, एल्क, और ओ को ऑक्सी, तो एल्कोक्सी बन जाता है, ठीक है ना, एल्कोक्सी। अब देखिए सब्स्टिट्यूशन करना है बाय ओ आर ग्रुप, ओ आर के द्वारा आप क्या करना है, प्रतिस्थापन करना है, किसी भी ग्रुप, कोई भी ग्रुप हो सकता है, उसका प्रतिस्थापन करना है, लेकिन कौन सा, अब यहां देख लेते हैं किसके पढ़ रहे थे, हेलोकेन, हेलोकेन मतलब आर एक्स, आर एक्स प्लस ओ आर, ठीक है ना, ओ आर। अब ओ आर इसको क्यों, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल हो, आर मैच होता है, बन गया न्यूक्लियोफाइल, क्या देखा तुमने, यहां देखो न्यूक्लियोफाइल इसको हटा रहा है, हटा दीजिए आर ओ आर गया इससे, और ये एक्स हट गया, तो यहां पर जो हमारे पास आर ओ आर है, अगर आप चाहें इसको आप आर डेस कर सकते हैं, कोई सर नहीं पता उससे, इसलिए मैं कर देता हूं आर डेस, आप इसको चाहें तो आर डेस कर लेना, ठीक है ना। तो हुआ क्या, क्या बना है यहां पर, ईथर, ईथर बनता है, यानी कि इस अभिक्रिया में ईथर बनता है। चल करते हैं आर एक्स प्लस क्या लेना है, ओ आर, सोचो दिमाग लगाओ कि ओ आर कहां से मिलेगा, ओ आर कहां से मिलेगा, क्या लाया, क्या नाम है, कुछ नहीं करना है, एनए का नाम सोडियम, बाकी तो वहां लिखा हुआ है खुद, आर ओ का नाम एल्कोक्सी, सोडियम एल्कोक्सी, मेटल का नाम पहले लिखते हैं, हो गया। बस हमें ढूंढना यह है कि यहां से न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, देखो हमारे पास में जो ग्रुप है वो है आर ओ एन ए, ध्यान से सुनना अगली बार, समझना, ओ अधातु, एन ए धातु, धातु और अधातु के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, कौन सा बनता है, विद्युत संयोजक, विद्युत संयोजक बनता है। मैंने कहा ना फर्स्ट ईयर, बस फर्स्ट ईयर पे जाइए, तो क्या होता है मेटल प्लस यहां पर माइनस, विद्युत संयोजक बंध क्या होते हैं, प्लस माइनस, आकर्षण बल अट्रैक्शन फोर्स प्लस माइनस होता है। अगर आप कुछ किताबों में देखोगे, किताबों की मैं बात कर रहा हूं, तो यहां पर लिखते हैं वो ड्राई ईथर, कुछ
कुछ लिखते हैं कुछ नहीं लिखते, कोई ड्राई शुष्क ईथर, शुष्क ईथर। तो यहां पर आर ओ एन ए, समझ रहे हैं मेरी बात को, इनके बीच में है आकर्षण बल। मतलब अगर जैसे इनको हम किसी भी सॉल्यूशन में यानी कि फिल्म में डालेंगे तुरंत ये आयनों में टूट जाएंगे, याद है ना, आयनिक कंपाउंड है, जैसे ही जल में डालोगे तुरंत टूट जाएगा, फर्स्ट ईयर जैसे ही टूट जाएगा क्या टूट के अलग होगा, आर ओ माइनस एन ए प्लस। सोचो सोचो न्यूक्लियोफाइल कौन सा, जो इलेक्ट्रॉन का धनी होता है, इलेक्ट्रॉन का धनी होता है, तो इलेक्ट्रॉन का धनी कौन सा, आर ओ माइनस या एन ए प्लस। बिल्कुल सही जवाब, आर ओ इलेक्ट्रॉन का धनी है, यानी कि ये हमारा न्यूक्लियोफाइल यहां पर है आर ओ, ये जाके अटैक करेगा इस पे, क्या होगा एन ए और एक्स आपका निकल जाएगा और क्या बचा आर आर ओ। यहां पे जो मैंने कहा था कि इसको हम आर डैश ले सकते हैं, जैसा भी है चाहे आपको फर्क नहीं पड़ता, आर ओ आर डैश, आर ओ आर डैश, क्लियर। क्यों, अगर कोई भी समस्या है मुझे बताओ, हो गया ना, न्यूक्लियोफाइल मैंने ढूंढ लिया और न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, लिविंग ग्रुप को हटा देता है, उसके स्थान पर स्वयं आ जाता है, आ गया ना, हो गया ना, इसी को बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एक न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे को हटा दिया, यानी कि एक न्यूक्लियोफाइल किसी एक समूह को हटा देता है जो एक बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। लिविंग ग्रुप क्यों, क्यों है लिविंग ग्रुप, नहीं पता सुन लीजिए, ये लिविंग ग्रुप क्यों अच्छे होते हैं, ये भी न्यूक्लियोफाइल ही होते हैं ये विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है ना इनकी, तो ये जो बंधित इलेक्ट्रॉन है ये इसकी ओर ज्यादा आकर्षित रहते हैं, इस तरफ इसकी ओर, जिसके कारण ये माइनस ये प्लस, तो ये सरलता से तो थोड़ा सा भी अगर हम फोर्स डाल देंगे, मतलब कोई भी घटना इसके अंदर कर देंगे तुरंत ये बॉन्ड टूट जाएगा, अलग हो जाएगा, आप समझ में बात आए, तो न्यूक्लियोफाइल जो है इसी को तोड़ने का कार्य करता है, अटैक करता है ये टूटता है और न्यूक्लियोफाइल और एल्किल समूह के बीच में बॉन्ड बनने लगता है। एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल इस पे आप एग्जाम्पल करते हैं, बदलोगे ना ईथर, मैंने क्या बोला क्या बनेगा ईथर, नाम लिख लेते हो बनाई, क्या नाम लिखते हैं ईथर का, आईपीसी एल कॉक्सी एल्किन, एल कॉक्सी एल्के लिखते हैं, हिंदी में लिख लोगे ना, यहां लिखता हूं हिंदी एल कॉक्सी एल्केन, ठीक है ना, एल्कोक्सी एल्केन बन गया भैया। अब रख लेते हैं, करते हैं एग्जाम्पल, कई सारे एग्जाम्पल की हम बात करेंगे, यार समझना है इसको क्योंकि बहुत ही अच्छा है। आर के स्थान पर वही सी टू एच फाइव और एक्स के स्थान पर बी आर प्लस आर ओ एल ए, तो आर के स्थान पर हम सी एच थ्री ले लेते हैं, O N A, मैंने आपसे क्या कहा था ड्राई ईथर लगाते हैं कुछ लोग, तो मैं भी लगा देता हूं, कुछ मैं नहीं लगा होता कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, क्या हुआ बताओ, न्यूक्लियोफाइल कौन है यहां पर, ये NO, NO क्या करता है इस पर जाकर अटैक करेगा कार्बन पे, तो क्या करेगा बी आर यहां से निकल जाएगा, इसके साथ में एन ए बी आर, बचा क्या, बचा यहां पर सी टू एच फाइव सी एस थ्री ओ, यानी कि सी एस थ्री ओ सी टू एच फाइव,
नाम क्या है इसका, कौन सा रासायनिक नाम या आईपीसी नाम, रासायनिक नाम देखिए, रासायनिक नाम क्या नाम है रासायनिक नाम, एथिल C2H5O, एथिल मेथिल, एथिल C2H5, मेथिल CH3, और किसका फार्मूला है ईथर, एथिल मेथिल ईथर, आईपीसी नाम कौन बताएगा इसका, बोलो CH3 C2H5, मैंने क्या नाम लिखा था, एल्कोक्सी एल्केन, एल्क एक एल्क यानी एक कार्बन एल्कोक्सी में और एक कार्बन एल्केन में, तो कम वाला जो आता है कम वाला एल्कोक्सी में, कम वाला कितना कम, एक, एक को क्या बोलते हैं मैथ, क्या लगा है ऑक्सी मैथॉक्सी, और अगला किसमें आता है एल्केन में, कितने कार्बन है दो, क्या बोलते हैं दो को ए, क्या लगाना ए, क्या बन गया मैथॉक्सी एथेन, कंप्लीट हो गया ना। नेक्स्ट दूसरा एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल देखिए, यही इसी को करते हैं C2H5Br+C2H5ONa, इसको बोलते हैं सोडियम मेथॉक्साइड, क्योंकि यहां पर एक कार्बन है, मैथ बोलते हैं ना Na को सोडियम, सोडियम मेथॉक्साइड, सोडियम मेथॉक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड, क्या हुआ यहां पर ड्राई ईथर, आया समझ में, कौन है न्यूक्लियोफाइल ये वाला अटैक करेगा, तो क्या हुआ Na और Br निकल गया, बचा क्या हमारे पास, वो ध्यान देना C2H5 और C2H5O, क्या बोलते हैं इसको C2H5 C2H5 दो बार है डाई, C2H5 को क्या बोलते हैं एथिल, डाई एथिल, और O को क्या नाम दिया था अभी मैंने ईथर, डाई एथिल ईथर, ये कौन सा नाम है रासायनिक नाम, सिंपल आईपीसी नाम क्या होगा, ये भी C2H5 ये भी C2H5, किसी को भी एल्कोक्सी में ले जाओ किसी को भी एल्केन में ले जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका नाम होगा एथॉक्सी एथेन, आईपीसी नाम एथॉक्सी एथेन, लिख देता हूं मैं इसका नाम, ये लीजिए आईपीसी नाम एथॉक्सी एथेन, जगह नहीं छोड़ी है इसके अंदर बड़ा एथॉक्सी एथेन, हो गया ना एथॉक्सी एथेन ना आईपीसी। अब देखिए ये जो बना हुआ है इधर इधर समान, इसमें जो बना हुआ है इधर उधर भिन्न भिन्न, तो इसको बोलते हैं असममित और इसको बोलते हैं सममित, बात समझ में आए, उस वाले को बोलते हैं असममित ईथर और इसको बोलते हैं सममित ईथर, मतलब जो ये रिएक्शन जो मैंने पढ़ी है इस रिएक्शन के द्वारा सममित और असममित दोनों प्रकार के ईथर बनाए जा सकते हैं, इसीलिए ये क्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है ना, इस क्रिया का एक नाम भी है, क्या नाम है इसको बोलते हैं, इस क्रिया को बोलते हैं विलियमसन, विलियमसन संश्लेषण, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया, आप समझ में आए कि विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया क्यों फेमस हुई, वो इसीलिए फेमस हुई क्योंकि जब आप अभी आगे चैप्टर पढ़ोगे अल्कोहल फिनाल ईथर ईथर तो उसमें ये अभिक्रिया तुम्हें फिर पढ़नी पड़ेगी, तो यहां पर मैं आपको अच्छे से डिटेलिंग कर देता तो वहां पर मुझे रिपीट नहीं करना पड़ेगा,
विलियमसन संश्लेषण क्रिया इसीलिए फेमस हुए क्योंकि इस अभिक्रिया के द्वारा सममित और असममित दोनों प्रकार के ईथर बनाए जा सकते हैं। मतलब अगर हम अन्य क्रियाओं की बात करें तो असममित ईथर बनाने के लिए अलग अभिक्रिया और सममित ईथर बनाने के लिए अलग अभिक्रिया, लेकिन विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया में यानी कि विलियमसन ने क्या किया, एक ऐसी अभिक्रिया की खोज कर दी जिससे सममित और असममित दोनों प्रकार के ईथर बनाए जा सकते हैं एक ही अभिक्रिया में, ठीक है ना। तो इसीलिए जो है विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया ईथर बनाने की अभिक्रिया ये बहुत फेमस है और ये पेपर में पूछी भी जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट। विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ऐसे कह देगा या आपको हो सकता है ये रिएक्शन लिख दे और कह रहे कंप्लीट करो, कुछ भी कह सकता है वो, क्वेश्चन से बनाने आपने जो भी करना था वो देखिए आपके सामने। हिंदी क्या लिखोगे लिख लोगे कि मुझे बोलना पड़ेगा, ये देखिए मिटा देता हूं मैं, लिख देता हूं हिंदी क्या लिखना है बोलो, क्या लिखना है हिंदी, ये देखो एल्केल हैलाइड की अभिक्रिया, क्या नाम था इसका हमने, सोडियम एल्कोक्साइड सोडियम एल्कोक्साइड के साथ शुष्क ईथर की उपस्थित में कराते हैं, उसकी ईथर की उपस्थित में कराते हैं जिससे ईथर प्राप्त होते हैं, जिससे ईथर प्राप्त होते हैं या ईथर प्राप्त होता है, ठीक है ना। इस अभिक्रिया को विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया के द्वारा दोनों प्रकार के ईथर बनाए जाते या बनाए जा सकते हैं, दोनों प्रकार से मतलब है सममित और असममित, ठीक है ना। मुझे लगता है बहुत अच्छे समझ में आया होगा, बस आपको एक छोटा सा काम करना है, फर्स्ट ईयर आपको अच्छे से पढ़ना है और जैसे फर्स्ट ईयर आपका कंप्लीट इंटर में आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो यहां पर मैंने आपको बताया है कि न्यूक्लियोफाइल ढूंढना है, यहां पर आर ओ न्यूक्लियोफाइल है जो इस पे जाकर अटैक करेगा, एक्स यहां से अलग हो जाएगा सोडियम के साथ एनएक्स, सिंपल सी बातें और भी सोच सकते हो। देखिए इसको मेटल है, एन एक मेटल है और एक्स एक नॉन मेटल है, मेटल नॉन मेटल फरार करते हो, सबसे पहले फरार करते हो, ठीक है ना।